types of component यदि बात कर ली जाए बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट की अगर बात करके चलें तो सबसे पहले फर्स्ट वन आरबीसी। अपन पढ़ के चलेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड यदि बात कर ली जाए डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। अपन बात करके चलने वाले सेकेंड वन इज व्हाइट ब्लड सेल। थर्ड वन इज प्लेटलेट। फोर्थ वन इज प्लाज्मा। And last one is whole blood। अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में अपन नेक्स्ट क्लासेज के अंदर वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ के चलेंगे बच्चों। सेकेंड वन इज डब्ल्यूबीसी के बारे में, थर्ड वन इज प्लेटलेट, फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड लास्ट वन इज द होल ब्लड के बारे में कंप्लीटली जानेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे बच्चों एबनॉर्मेलिटी कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग द टाइम एंड आफ्टर द टाइम। कौन कौन से टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, किसके अंदर बच्चों ट्रांसफ्यूजन करते टाइम, ट्रांसफ्यूजन करने के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो अपन वन बाय वन अपन बात करके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात कर ली जाए, अपन बात करेंगे बच्चों आरबीसी के बारे में, कंप्लीटली जानेंगे आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, ब्लड के अंदर कितना होता है, स्टोरेज रूम के अंदर कितना होता है बच्चों, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, साथ के साथ ट्रांसफ्यूजन टाइम की अपन बात करके चलने वाले हैं। तो वन बाय वन अपन बात करेंगे बच्चों आरबीसी के बारे में, किसके बारे में बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इट इज ऑल्सो नोन एज इरेथ्रोसाइट। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इरेथ्रोसाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन एज इरेथ्रोसाइट। यदि बात कर ली जाए बच्चों किसके, आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है एग्जाम के अंदर, इरेथ्रोसाइट। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं लाइफस्पेन, लाइफस्पेन इन बॉडी ब्लड इन अडल्ट पर्सन, इन अडल्ट पर्सन। यदि बात करके चले अडल्ट पर्सन, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, अडल्ट पर्सन की बात करके चले किस केस के अंदर, लाइफ स्पेन किसका बच्चों, आरबीसी का ब्लड के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो बात कर ली जाए अडल्ट पर्सन के अंदर 120 डेज, कितना बच्चों 120 डेज।
नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इन चाइल्ड, यदि चाइल्ड के अंदर बात करके चले बच्चों 80 to 90 days, 80 to 90 days। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए या सबसे पहले अगर बात करके चले लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इन ब्लड बैंक 35 to 42 days, स्टैंडर्ड 35 डेज एंड मैक्सिमम 42 डेज, स्टैंडर्ड या अपन बोल सकते हैं मिनिमम 2nd one is maximum, second one is 42 days। यदि बात करके चले बच्चों किसके अंदर ब्लड बैंक के अंदर तो कितना होगा 35 to 42 days। यदि ह्यूमन बॉडी के अंदर पूछ लिया जाए अडल्ट के अंदर 120 days एंड चाइल्ड के अंदर 80 to 90 days। यदि ब्लड बैंक के अंदर मैक्सिमम व मिनिमम के अंदर पूछ लिया जाए या स्टैंडर्ड के अंदर पूछ लिया जाए तो स्टैंडर्ड कितना होगा बच्चों 35 days एंड यदि बात कर ली जाए मैक्सिमम होगा 42 days। नेक्स्ट में यदि बात कर ली जाए स्टोरेज टेम्परेचर यदि बात करके चले स्टोरेज टेम्परेचर की यदि बात कर ली जाए बच्चों 2 to 8 degree centigrade क्या रहने वाला है स्टोरेज टेम्परेचर ब्लड बैंक के अंदर। यदि बात कर ली जाए आरबीसी को स्टोरेज किया जाता है कितने टेम्परेचर पर 2 to 8 degree centigrade। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों प्रिजर्वेटिव, यदि बात कर ली जाए कौन कौन से प्रिजर्वेटिव आरबीसी के अंदर यूज किए जाते हैं तो बात कर लेते हैं प्रिजर्वेटिव डेक्सट्रोज, सेलाइन, एडेलिन। सेकेंड वन इज सीपीडी, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज। नेक्स्ट वन इज एसीडी, एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट, डेक्सट्रोज। यदि बात कर ली जाए बच्चों अपन बात करें प्रिजर्वेटिव, किसकी बात करें प्रिजर्वेटिव आरबीसी के अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है तो सबसे पहले अपन ने बात की डेक्सट्रोज सेलाइन एडेमाइन। नेक्स्ट वन सीपीडी सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, नेक्स्ट वन एसिड सिट्रेट
डेक्सट्रोज, यदि बात कर ली जाए डेक्सट्रोज के फंक्शन की, बात कर ली जाए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द आरबीसी, आरबीसी को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है बच्चों, डेक्सट्रोज। तो अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन ने अभी तक आरबीसी के अंदर जाना, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, इट इज ऑल्सो अनदर नेम क्या होगा बच्चों, इरेथ्रोसाइट। नेक्स्ट वन लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर जाना तो 35 to 42 days। ह्यूमन बॉडी के अंदर अडल्ट पर्सन के अंदर व चाइल्ड के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपन ने बात की, अडल्ट पर्सन के अंदर 120 days, सेकेंड वन 80 to 90 days किसके अंदर बच्चों, चाइल्ड के अंदर। यदि बात कर ली जाए ब्लड बैंक के अंदर स्टैंडर्ड या मिनिमम 35 days और मैक्सिमम अगर बात करके चले 42 days। नेक्स्ट वन अपन ने बात की स्टोरेज टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 2 to 8 degree सेंटीग्रेड फॉर स्टोरेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड बैंक। नेक्स्ट वन प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के अंदर डेक्सट्रोज सेलाइन एडेमाइन, डेक्सट्रोज सेलाइन एडेमाइन यूज करके चलते हैं आरबीसी के अंदर। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज अपन यूज करते हैं बच्चों, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज का भी अपन यूज करके चलते हैं। तो नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं अलग अलग फंक्शन की, बात कर लेते हैं सिट्रेट का फंक्शन क्या रहने वाला है बच्चों, फॉस्फेट का फंक्शन क्या रहेगा, वे डेक्सट्रोज का फंक्शन क्या रहेगा, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं वन बाय वन, फंक्शंस ऑफ of preservatives। यदि बात करके चले सबसे पहले अपन बात करने वाले बच्चों डेक्सट्रोज, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन प्रोवाइड द न्यूट्रिशन to the RBC, to the RBC for increase the lifespan of, for increase the lifespan of RBC, lifespan of RBC। यदि बात कर ली जाए बच्चों अपन बात कर रहे हैं डेक्सट्रोज, किसकी बात कर रहे हैं डेक्सट्रोज, फर्स्ट प्रिजर्वेटिव की अपन बात करके चल रहे हैं, फंक्शन की अपन बात करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज के अंदर इट इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन टू द आरबीसी, रेड ब्लड सेल को। यदि बात कर ली जाए न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, डेक्सट्रोज कौन बच्चों, डेक्सट्रोज, आप बोल सकते हैं अपन ग्लूकोज, क्या बच्चों ग्लूकोज। यदि बात कर ली जाए किस लिए अपन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके चलता है आरबीसी को कौन, डेक्सट्रोज, तो इंक्रीज करने के लिए लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी के लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। यदि बात कर ली जाए आरबीसी के लाइफ स्पैन की अपन ने बात की कितना होता है बच्चों, 35 to 42 days, 35 to 42 days होता है ब्लड बैंक के अंदर। अपन ने बात की 35 days किसके अंदर बच्चों, मिनिमम या अपन बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, सेकेंड वन अपन ने बात की 42 days क्या बच्चों, मैक्सिमम, सेकेंड अगर बात करके चले सिट्रेट किसके बारे में बात कर ली जाए, सिट्रेट, सिट्रेट क्या होगा बच्चों, एंटीकोगुलेंट, सिट्रेट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीकोगुलेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी कोगुलेंट. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों, थर्ड वन अपन बात करने वाले हैं, यदि बात करके चले फॉस्फेट, किसकी बच्चों? फॉस्फेट. यदि फॉस्फेट की बात कर ली जाए, फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा बच्चों? प्रिजर्वेटिव. किसके लिए बच्चों? प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करके रखता है, प्रिजर्वेटिव. किसको प्रिजर्व करके रखता है बच्चों? आरबीसी को. यदि दोनों की बात कर ली जाए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेटिव. इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेटिव. यदि बात करके चले बच्चों, सबसे पहले अपने बात की डेक्सट्रोज. किसकी बात की बच्चों? डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज क्या होगा बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए आरबीसी को, क्योंकि क्या करना है, इंक्रीज करेगा बच्चों लाइफ स्पैन ऑफ ए आरबीसी. सेकंड वन सिट्रेट की बात की, सिट्रेट क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा एंटी कोगुलेंट. किसके लिए बच्चों? एंटी कोगुलेंट के रूप में काम करेगा. नेक्स्ट वन अपने बात की फॉस्फेट. फॉस्फेट प्रिजर्वेटिव है और दोनों को ही किस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रिजर्वेटिव. नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं बच्चों, यदि वन यूनिट की अपन बात करके चलें, वन यूनिट के अंदर अपन आरबीसी काउंट की बात कर ले जाए तो कितना होगा? 250 ml. यदि इंडिकेशन की बात कर ले जाए, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसके अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों? इंडिकेट करके चलते हैं कि क्या करना होगा, किस चीज का ट्रांसफ्यूजन करना होगा, आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन कौन से केस के अंदर अपन परफॉर्म करके चलते हैं, तो बात कर लेते हैं. सबसे पहले यदि बात कर ले जाए अमाउंट, किसकी बात कर ले जाए? अमाउंट. वन यूनिट इज इक्वल टू बच्चों 250 ml. 250 ml यदि बात कर ली जाए इंडिकेशन, इंडिकेशन यदि इंडिकेशन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले फर्स्ट वन हीमोग्लोबिन लेवल. हीमोग्लोबिन लेवल लो, हीमोग्लोबिन लेवल लो या बिलो नॉर्मल. यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिले, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से क्या हो बच्चों? कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? एनीमिया की कंडीशन. कौन सी कंडीशन? एनीमिया. सेकंड अपन बोल सकते हैं एनीमिया की कंडीशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट अपन को ट्रांसफ्यूज करके चलना है ब्लड के अंदर? आरबीसी. कौन सा कंपोनेंट बच्चों? आरबीसी को ट्रांसफ्यूजन करके चलना है कौन से कंडीशन के अंदर? एनीमिया कंडीशन के अंदर. यदि किसी पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन है? एनीमिया की कंडीशन है, तो उसके अंदर अपन को क्या करना है बच्चों? आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करना है. अमाउंट की बात की, वन यूनिट के अंदर 250 ml. अपन ने बात की लाइफ स्पेन की बात की, ब्लड बैंक के अंदर 35 to 42 days. टेम्परेचर की बात की, स्टोरेज टेम्परेचर तो कितना होगा बच्चों? 2 to 8 degrees centigrade. नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों, यदि बात कर ली जाए वन यूनिट आरबीसी क्या किया, ट्रांसफ्यूज किया, तो उसके अंदर कितने ग्राम क्या होगा एच बी इंक्रीज होगा? 1 gram एच बी विल बी इंक्रीज. सेकेंड वन यदि अपन बात करके चलेंगे हिमेटोक्रेट वैल्यू की, हिमेटोक्रेट वैल्यू का लेवल कितना इंक्रीज होगा, तो बात कर लेते हैं दोनों के बारे में. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इफ वन यूनिट ऑफ, इफ वन यूनिट ऑफ आरबीसी विल बी ट्रांसफ्यूज्ड
will be transfused, then increase 1 gram of HB. यदि बात करके चले बच्चों 1 यूनिट किसकी बात कर ले जाए, 1 यूनिट ऑफ आरबीसी की यदि बात करके चले, रेड ब्लड सेल की अगर बात करके चले, तो उस कंडीशन के अंदर टोटल कितने ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, 1 ग्राम। कितने बच्चों, 1 ग्राम। सेकंड यदि बात कर ली जाए, इफ 1 यूनिट ऑफ आरबीसी transfusion will be transfused then increase 2 to 3% of हीमेटोक्रिट वैल्यू। यदि बात करके चले बच्चों, यदि क्या ट्रांसफ्यूज किया है, 1 यूनिट आरबीसी ट्रांसफ्यूज की है, और उसके अंदर अपन क्या चेक करें, हीमोग्लोबिन का लेवल, तो 1 ग्राम इंक्रीज मिलेगा यदि ट्रांसफ्यूज किया है 1 यूनिट आरबीसी, उसके अंदर यदि चेक कर रहे हैं बच्चों हीमेटोक्रिट वैल्यू यदि बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, 2 to 3% इंक्रीज मिलेगी। यदि बात कर ली जाए हीमेटोक्रिट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हीमेटोक्रिट होता क्या है बच्चों, हीमेटोक्रिट परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। यदि बात कर ली जाए बच्चों हीमेटोक्रिट, किसकी बात कर ली जाए, हीमेटोक्रिट की यदि बात करके चले, तो हीमेटोक्रिट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, ब्लड के अंदर यदि आरबीसी की परसेंटेज को क्या करना है, मेजरमेंट करना हो, तो क्या चेक करना होगा, हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या चेक करनी होगी बच्चों, हीमेटोक्रिट वैल्यू। यदि बात कर ली जाए 1 यूनिट आरबीसी क्या करके ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी क्लाइंट के अंदर, पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर ओनली एंड ओनली टू टू थ्री परसेंट क्या होगा, इंक्रीज होगी हीमेटोक्रिट वैल्यू। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, यदि अपन बात करके चले हीमेटोक्रिट वैल्यू के बाद, यदि बात कर ले जाए नॉर्मल लेवल ऑफ हीमेटोक्रिट वैल्यू इन फीमेल एंड मेल पर्सन, दोनों के अंदर डिफरेंट वे से जान लेते हैं। यदि मेल पर्सन के अंदर बात कर ले जाए या फीमेल की बात कर ली जाए, तो उसके अंदर नॉर्मल कितनी देखने को मिलती है परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। यदि बात कर ली जाए इन मेल, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमेटोक्रिट यदि बात कर ली जाए किसके अंदर, मेल पर्सन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो बच्चों क्या होगी, 42 to 52% यदि बात कर ली जाए। सेकंड अपन बात कर कितने इन फीमेल पर्सन नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमेटोक्रिट क्या रहने वाली है बच्चों, 35 to 47% दोनों के अंदर अपन ने बात की बच्चों, मेल व फीमेल, किसके अंदर, मेल व फीमेल पर्सन के अंदर अपन ने बात की, तो
तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस जानने को मिला। सबसे पहले अपन ने बात की मेल के अंदर, मेल पर्सन के अंदर नॉर्मल कितनी रहने वाली बच्चों, 42 to 52%। सेकंड में अपन ने बात की, यदि बात करके चले फीमेल पर्सन, किसके अंदर, फीमेल पर्सन के अंदर तो नॉर्मल कितनी रहने वाली है, 35 to 47%। यह भी अब तक अपन ने जाना है। यदि एक यूनिट क्या देते हैं आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते किसी पेशेंट के अंदर, किसी क्लाइंट के अंदर, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर यदि ग्राम्स के अंदर बात कर ली जाए तो ओनली 1 ग्राम इंक्रीज होगा। यदि बात कर ली जाए हेमेटोक्रिट वैल्यू की, यदि बात करके चलें तो 2 to 3% क्या होगी बच्चों, इंक्रीज देखने को मिलेगा। हेमेटोक्रिट क्या होते हैं, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड, टोटल ब्लड के अंदर टोटल कितनी परसेंटेज है किसकी बच्चों, आरबीसी की। यदि मेल पर्सन के अंदर बात कर ली जाए तो टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी की वैल्यू कितनी देखने को मिलती है, पूरे 100% के अंदर यदि बात करके चलें तो ओनली आरबीसी कितनी देखने को मिलेगी मेल पर्सन के अंदर, 42 to 52%। यदि बात कर ली जाए फीमेल की, किसकी बात कर ली जाए बच्चों, फीमेल पर्सन की अगर बात करके चले तो उसके अंदर 35 to 47%। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले बच्चों ट्रांसफ्यूजन टाइम, किसकी बात करने वाले हैं, ट्रांसफ्यूजन टाइम क्या रहने वाला है, तो अपन बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन टाइम। यदि बात कर ली जाए आरबीसी में प्लेटलेट्स के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बट डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हमेशा याद रखना बच्चों आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या मिलेगा, एब्सेंट, क्या मिलेगा बच्चों, एब्सेंट मिलेगा, वह डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए प्लेटलेट्स के अंदर भी क्या मिलता है, एब्सेंट मिलता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन टाइम। ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ आरबीसी 2 to 4 hours, कितना बच्चों, 2 to 4 hours। यदि बात कर ली जाए मिनिमम टू हावर्स एंड मैक्सिमम 4 hours। यदि बात कर ली जाए, यदि किसी क्लाइंट के अंदर क्या कर दिया बच्चों, ट्रांसफ्यूजन कर दिया 2 hours से पहले, तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, तो बात कर लेते हैं। इफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरबीसी completed before 2 hours, then create complication cardiac arrest and cardiac overload। यदि बात करके चले बच्चों किस केस की अपन बात कर रहे हैं, मिनिमम 2 hours, यदि क्या कर दिया बच्चों 2 hours से कम के अंदर किसी नर्स ने किसी पेशेंट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ्यूजन कर दिया ब्लड का कौन से कंपोनेंट का, आरबीसी का, किसका बच्चों, रेड ब्लड सेल का, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन, कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, कौन सी क्रिएट हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक ओवरलोड। सो कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूजन
कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूजन आरबीसी बिफोर 2 hours. नेक्स्ट वन ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरबीसी बिफोर टू हावर्स ओनली इन सीवियर ब्लड लॉस या अपन बोल सकते हैं एक्सीडेंटली कंडीशन. नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों सीवियर ब्लड लॉस या अपन बोल सकते हैं हाइपोवोल्यूमिया कंडीशन. सबसे पहले तो अपन ने बात की ट्रांसफ्यूजन टाइम की बात की 2 to 4 hours only 2 to 4 hours 2 से 4 घंटे के अंदर ही क्या करना होगा अपन को ट्रांसफ्यूज करना होगा आरबीसी को बच्चों. यदि बात कर लेना ना तो 2 घंटे पहले ना 4 घंटे के बाद अपन क्या कर सकते ट्रांसफ्यूज कर सकते. यदि 2 घंटे से पहले करेंगे तो क्या होगी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी. 4 घंटे के बाद करेंगे तो भी क्या देखने को मिलेगी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी. यदि बात करके चले बच्चों यदि 2 hours से पहले क्या करते हैं ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है. कार्डियक अरेस्ट वे कार्डियक ओवरलोड दोनों कंडीशन क्या हो सकते हैं क्रिएट हो सकती है उस पेशेंट के अंदर है. तो इसीलिए क्या करना होगा बच्चों अवॉइड करके चलते हैं. कैन नॉट बी ट्रांसफ्यूजन आरबीसी बिफोर 2 hours की बात कर ली जाए कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी जिसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं आरबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं 2 hours से पहले. या तो सीवियर ब्लड लॉस हुआ है एक्सीडेंटली कंडीशन किसी का क्या हुआ है बच्चों एक्सीडेंट के कारण इंजरी हुई है और उसके अंदर क्या देखने को मिला है सीवियर ब्लड लॉस उस कंडीशन के अंदर अपन ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं आरबीसी का बिफोर 2 hours. नेक्स्ट वन यदि हाइपोवोल्यूमिया कंडीशन कैसी कंडीशन है हाइपोवोल्यूमिया कंडीशन डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड. यदि फ्लूड की वॉल्यूम कम है ब्लड की वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर भी अपन बिफोर 2 hours क्या कर सकते हैं ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं यदि क्या कर दिया जाए 4 hours क्या हो बच्चों 4 hours से मोर क्यों यूज नहीं करते कौन सी कंडीशन के अंदर अपन यदि ड्यूरेशन 4 hours क्या होता अपने बात के लिए प्रिजर्वेटिव के अंदर डेक्सट्रोज क्या होता है बच्चों आरबीसी के अंदर डेक्सट्रोज को क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है क्योंकि क्या करता है बच्चों डेक्सट्रोज प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए लाइफ स्पैन. तो क्या होगा यदि इफ ड्यूरेशन ऑफ ए ट्रांसफ्यूजन आरबीसी if duration of RBC transfusion more than 4 hours then create complication septicemia. कौन सी complication create होने के chances होंगे बच्चों septicemia bacterial infection grow
इन द आरबीसी बिकॉज डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन द बिकॉज डेक्सट्रोज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द आरबीसी सो to prevent the patient from septicemia condition then transfuse the RBC then transfusion of RBC before 4 hours. यदि बात करके चले बच्चों, यदि ड्यूरेशन है आरबीसी ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 hours, 4 hours से ज्यादा में क्या करते हैं ट्रांसफ्यूजन करते हैं आरबीसी का, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगी बच्चों? सेप्टिसीमिया. कौन सी बच्चों? सेप्टिसीमिया. सेप्टिसीमिया क्या होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन. क्या होगा बच्चों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या अपन बोल सकते हैं बैक्टीरिया ग्रो इन द आरबीसी. आरबीसी के अंदर किसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज होगी आरबीसी के अंदर. ऐसा क्यों होगा? डेक्सट्रोज प्रिजर्वेटिव के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या, डेक्सट्रोज क्या होता है? प्रिजर्वेटिव होता है जो कि क्या करता है बच्चों, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आरबीसी को. और उसी का क्या होगा, अगर डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा आरबीसी के अंदर, तो क्या करने के और कौन सी कंडीशन कॉज कर देगा? सेप्टिसीमिया. इसी वजह से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को सेप्टिसीमिया की कंडीशन से ट्रांसफ्यूजर करना चाहिए. किसका बच्चों? आरबीसी का, बिफोर 4 hours. नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, यदि क्या करना है बच्चों, एक यूनिट से ज्यादा आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करना है किसी क्लाइंट के अंदर, तो उस क्लाइंट को कौन सी कंडीशन से, एरिथमिया की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए किस चीज का यूज करना होगा? ब्लड वार्मर. किसका बच्चों? ब्लड वार्मर का यूज करके चलना होगा, ताकि क्या किया जा सके, पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सकते. कौन सी कॉम्प्लिकेशन से? एरिथमिया की कंडीशन से क्या किया जा सके बच्चों? प्रिवेंट किया जा सके. इफ transfusion of more than 1 unit of RBC more than 1 unit of RBC in a client then will be used blood warmer to prevent the client from arrhythmia condition. यदि बात कर लीजिए एरिथमिया क्या होगा बच्चों? इरेगुलरिटी इन द हार्ट बीट. इरेगुलरिटी
इन द हार्ट बीट, यदि बात करके चले कौन सी कंडीशन के अंदर यदि ट्रांसफ्यूजन करना है मोर देन वन यूनिट ऑफ आरबीसी किसी क्लाइंट के अंदर, तो यूज करके चलेंगे बच्चों ब्लड वार्मर का। किसका बच्चों? ब्लड वार्मर का यूज करके चलेंगे प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट को एरिथमिया की कंडीशन से। यदि बात कर ली जाए पॉजिटिव आउटकम विल बी प्रेजेंट या अपीयर 4 to 6 hours आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ए आरबीसी। यदि बात कर ली जाए पॉजिटिव आउटकम विल बी प्रोवाइडेड 4 to 6 hours आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ After transfusion of RBC, RBC का ट्रांसफ्यूज करने के बाद रेड ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूजन करने के बाद क्या मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव आउटकम। कितने टाइम के बाद? 4 to 6 hours के बाद क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। ब्लड के अंदर आरबीसी का लेवल बढ़ा मिलेगा। यदि 1 unit की बात कर ली जाए तो 1 gram HB इंक्रीज होगा 3 to 4% या अपन बोल सकते 2 to 3% क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा हीमेटोक्रेट लेवल परसेंटेज ऑफ ए आरबीसी इन द ब्लड। यह अपन ने जाना किसके बारे में? कंप्लीटली जान लिया बच्चों आरबीसी के बारे में कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड। फर्स्ट अपन ने कंप्लीटली जान लिया आरबीसी के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ के चलेंगे WBC व्हाइट ब्लड सेल के बारे में।